फ्रेंड्स, देखिए इधर नर्मदा ब्रिज के ऊपर पहुंचे हैं भरूच, और ब्रिज में देखिए आज पानी बहुत ज़्यादा है। हवा भी देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से चल रही है, क्योंकि समुद्र में तूफान है, उसकी वजह से ब्रिज में भी पानी बहुत आया है। देखिए हर बार की तरह इधर भरूच में भारत पेट्रोल पंप पर डीजल भरवा रहे हैं हम। ये देखिए इधर राजस्थानी होटल भी है, चाय पानी खाना पीना, और इस पेट्रोल पंप पे पार्किंग भी बहुत बड़ी है। देखिए हमारी गाड़ी में डीजल भरने का चालू है अभी। तो फ्रेंड्स देखिए इधर भारत पेट्रोल पंप डीजल भरवा लिया, अभी इधर रुके चाय पीने के लिए। ये देखिए सती माता होटल, और ये देखिए तो गाड़ी का केबिन बोर्ड है या केबिन है मालूम ही नहीं पड़ता है क्या है। ये देखिए कैसे फिटिंग कर दी है एकदम बोर्ड के अंदर। क्यों आगे नहीं ले रहा है गाड़ी, लिया अभी अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, चाय पानी बाय पानी पियेंगे। सो भाई देखिए एक्सप्रेसवे पे रुके हैं, दो गाड़ी आ गया, अभी एक गाड़ी आने वाला है पीछे। और फ्रेंड्स मुझे एक बात का पता नहीं, ये एक्सप्रेसवे पे इधर पार्किंग बनाया है ये देखिए, और गाड़ियों को खड़ा होने के लिए नहीं देते। ये देखिए यहाँ पे रख दिया है पूरे में, ये ऐसा ये क्यों करते हैं, ये ऐसे ही पूरा खाली पड़ा है प्लॉट। अगर ये पार्किंग के लिए देते तो गाड़ी खड़ा करने के लिए तो इनका क्या हो जाता, अभी तो ऐसे ही पड़ा है, वेस्ट ही है, मानो कोई इसका अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। पूरे में देखिए बंद कर दिया है इधर, फिर भी गाड़ियाँ तो रुकती ही है इधर। अगर ये प्लॉट हो तो गाड़ियाँ पूरी इधर साइड में रह जाए सब। सो
सो फ्रेंड्स देखिए, जस्ट एक्सप्रेसवे पर चाय पी रहे थे और बारिश आ गई। होटल से दौड़ दौड़ के आके गाड़ी में बैठे और ये देखिए गाड़ी जस्ट स्टार्ट ही किया है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। हवा भी बहुत तेज चल रही है। वाइपर भी काम कर नहीं रहा है हवा में, क्योंकि पानी बहुत आ रहा है। तो भाई अभी हम सामखियारी पहुंचे हैं भाई होटल पर, और ये देखिए वावाजोड़ा। अभी ये कंपनी पूरा बंद है जो हमको खाली करना है। अभी सोच रहे है क्या करे उधर भी, क्योंकि बहुत गाड़ी पड़ी है। एक मेरा फ्रेंड है, उनको कॉल किया था, वो ऐसा बोल रहा है इधर बहुत गाड़ी पड़ी है, 3 दिन से फैक्ट्री बंद है, आप इधर आना मत, रुक जाना उधर ही। सो फ्रेंड्स मैं अभी उठाई हूँ जस्ट अभी, तो अभी सोच रहे क्या करे, कहाँ जाए, भूज ले जाए, डायरेक्ट घर पे चले जाए एक गाड़ी लेकर। सोच रहे है क्या करे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इधर बच्चा पहुंचे है और रोड बिल्कुल सूना हो गया है, रोड पे कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है। हम ही जा रहे हैं एयरफील्ड, बारिश बहुत तेज चल रही है, हवा भी बहुत तेज है। देखिए बचा हुआ वाला ब्रिज, अभी हम सीधा गाड़ी जा रहे हैं, क्योंकि उधर खाली करने का तो बंद है, इसलिए उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। अभी जा रहे हैं घर पर। देखिए बच्चा उसे भूज आई है, पेट्रोल लिया है, और ये देखिए सभी होटल फुल पड़ी है, पूरी गाड़ियां रुकी है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है सामने रोड पर। बिल्कुल सूना पड़ा है रोड, बारिश हो रही है, हवा भी तेज चल रही है, वावाजोड़ा आ गया कच्छ में। स्वागत है आपका तूफान के साथ। यहाँ पे भावेश भाई की गाड़ी का वाइपर खराब हो गया है, भावेश भाई वाइपर जरा सही कर रहे हैं, और ये देखो गाइस कितनी हवा चल रही है। ये देखो ऐसा लगता है ये टूट के मेरे पास ही आ जाएगा। देखिए एक नॉल लगाया है बंद, वहां पे हम लोग खड़े हैं अभी फिलहाल। गाइस रोड पे देखो कोई भी गाड़ी नहीं है, रात में इतना तूफान है कच्छ में हमारे, ये बात ही मत पूछो उसकी, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत से जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा वाइपर खराब हो गया है भावेश भाई का, इसको सही कर रहे हैं। ये देखो हवा की आवाज सुन रहे हो ना आप, कितनी तेज लग रही है हवा। देखो पूरा रोड खाली है, अकेले हम लोग ही जा रहे हैं। भावेश भाई क्या हो रहा है? भाई इतनी हवा में तो आवाज भी नहीं आ रही भाई भी। ये देखो गाइस
पूरा हालत खराब कर दिया है हमारे यहाँ बिपोर जॉय ने। देखिए अभी एक गाड़ी दिखी है, बढ़िया बोला थे जी होता। चलो गाइस मिलते हैं तूफान की ओर जाते हुए हम लोग। देखिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हवा तेज हो रही है, बारिश भी तेज हो रही है और अब तो गाड़ी भी जब चलाना मुश्किल हो रहा है। हवा इतनी जोर से चल रही है, गाड़ी एकदम से ब्रेक हो जा रही है क्योंकि कच्छ में आज वावाजोड़ा दो साथ में हो जाएंगे। एक तो उधर ही है ही और ऊपर से मतलब जा रहा है दूसरा। फ्रेंड्स ये देखिए ये दो भाई है, ड्राइवर भाई है, इनकी गाड़ी उधर शाम क्यारी में वेवी टोटल पर रोक के ही हमारे साथ आ रहे हैं घर पर। आमरडी पहुंचे है अभी। कच्छ में तूफान है और जा रहा है तूफान। कौन सा जा रहा है तूफान समझ गए ना आप? अरे वाइपर अभी ठीक किया, वापस ऐसा ही हो गया, बंद हो गया तो अभी ऐसे ही चला रहे है बिना वाइपर के। देखिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हवा तेज हो रही है और इधर रास्ते में पेड़ भी देखिए कितने गिरे हुए पड़े। ये देखिए तो इधर पूरा रास्ता बंद कर दिया है, गिर गया ये पेड़। पेड़ भी गिर गया है, हवा देखिए कितनी फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हवा तेज हो रही है और अभी तो हवा इतनी तेज हो गई है तो हम गाड़ी में अंदर बैठे हैं तो भी ऐसा हमको भी लग रहा है कि गाड़ी का अंदर से पूरा गाड़ी हवा में उठ जाएगा। कितनी स्पीड है हवा की देखिए, हवा जा रही होगी आपको। राम प्यारी लगता
फ्रेंड्स, हवा इतनी तेज है, गाड़ी ये देखे थर्ड गियर में है, फिर भी रास्ता काटा भी नहीं कर रही है। पेड़ उखड़ कर पूरा इधर आ गया है। ये देखिए कच्छ में कितना नुकसान हुआ है। मैंने भी घर पर सुबह कॉल किया था, हमारे घर का भी पीछे आगे एक छपरा है, एक छाव के लिए बनाया था, वो भी उड़ गया है। अभी घर पहुँचते हैं, देखते हैं और क्या क्या हुआ है। घर पे सभी अभी डरे हुए ही है, इसलिए हम जा रहे हैं दिल्ली घर पर। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए कितने पेड़ गिर गए हैं, पूरा हाईवे बंद कर दिया है। हलो चलो, अरे यार मैं दरवाजा खोली हुए थे उधर। गोड़ गोड़ खाने मारे लाने था आटे। पेड़ काटने आए ये कुल्हाड़ी लेकर। ये भी साफ कर दिया इधर, आगे भी देखे कितने पेड़ गिर गए रोड पर। फ्रेंड्स देखिए ऐसी हालत में, ऐसे माहौल में भी काम कर रहे हैं, रास्ते पे पेड़ हटा रहे हैं। देखिए हम भुज में एंटर हो गए, ये पहुंचे माधवपुर, माधवपुर पुलिस चौकी वाला सर्कल। अरे देखिए भुज की क्या हालत हो गई है, कैसा हो गया है हमारा कच्छ। फ्रेंड्स देखिए ये भुज का जयनगर,
यहाँ पे देखे कितना पानी भरा है, पानी में चल रहे है, कोई बड़ा खड्डा ना हो तो अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आधे टायर गाड़ी के पानी में है। हवा नहीं चल रही है इधर इतनी, देखिए अभी हम शामत्रा पहुंचे हैं और ये देखिए पेड़ पूरा रोड पर आ गया है गिरकर। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी तीन गाड़ी थी, तीन में से दो गाड़ी रख दी पार्किंग में कुछ और एक दिन पर गाड़ी में जा रहे हैं सभी। क्योंकि मतलब तीन गाड़ी में फोकट का डीजल इधर का वेस्ट होता है, इसलिए एक ही गाड़ी में अपनी ही गाड़ी लेकर जा रहा हूँ घर पर। देखिए गाइस सामुद्रा एक और पेड़ गिरा हुआ मिला हमको रास्ते पे, पता नहीं कितने पेड़ गिर गए हैं। बिपोर जो नाम का तूफान आया था पूरा कच्छ में तबाही मचा दिया है, ये देखिए पूरा गिर गया है, जड़ से उखाड़ दिया है। क्या हाल है जगदीश भाई? ठंड लग रही है? हाँ दोनों भाई के बीच में खड़ा है। प्रेम जी भाई ठंड उड़ा दो इसकी। देखिए गाइस एक और पेड़ गिरा हुआ, ये पेड़ गिरे हुए हैं यार, पूरा तबाही तबाही बचा दिया है। और देखिए आगे और पानी आ रहा है, रास्ते नंगा पूंगा हो गया। ये देखिए रोड पे भी पानी पानी पूरा पानी पानी, अभी और बहुत पानी मिलेगा रोड पे। भावेश भाई ने अभी से अपना शर्ट उतार दिया है, हजार में आवे कौन आवे कोई ना बाप नो ना माने ई मारू वावा जोड़ू आवे वावा जोड़ू आयु कच्छ मा वावा जोड़ू आयु। ये देखिए गाइस और पानी आ गया, पानी ये क्या है, इसमें छोटी गाड़ी आ रही है इको भाई, पूरा पानी 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 हो गया है। खबर हुई कहती है फ्रेंड्स। देखिए अभी हम माजीराई पहुंचने वाले, जैसल पर क्रॉस किया है और ये देखिए रोड पे पानी, कितना पानी जा रहा है, पूरा पानी पानी भरे हुए पानी में चला रही है गाड़ी। वो तो अच्छा है हम इधर गई है, मालूम है हमको कहाँ पर यहाँ पर रास्ता कैसा है, बड़ा कोई खड्डा बड्डा नहीं है। ये देखिए खेतों में कितना पानी भरा है, मंजिल पहुंचे अभी पहुंचने वाले हैं, दिख रहा है सामने मंजिल, खेतों में देखिए कितना पानी है, पूरे खेत पानी से भरे हैं, इधर बारिश बची हुई है।